गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ कास्टस्मिता प्रधान। देखो आज हम स्टैंडर्ड वन के कुछ कहानी पढ़ेंगे। हाँ, तो हम ऑलरेडी देखो आगे से हम एक गाना गा पढ़ चुके हैं, कविता पढ़े थे कि नहीं, देन आज ऐसे हम एक कहानी पढ़ते हैं। हाँ, मतलब चैप्टर 14 में एक कहानी है, वो है जाल में कबूतर। हाँ, तो देखते हैं चैप्टर 14, वो है जाल में कबूतर, है कि नहीं। जाल में कौन है, जाल में कैसे कबूतर है, उनके बारे में थोड़ा सा दिखेंगे। हाँ, तो जाल में कबूतर कैसे आए, कहाँ से आए, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, तो देखो आप कबूतर कभी दिखे हो, कबूतर दिखे हो कि नहीं, देन तो जाला भी दिखे हो, जाल दिखे हो कि नहीं। तो इधर से कुछ पिक्चर दिया गया है, वो कौन सी किसकी पिक्चर है बताना। जैसे कि ये वाला दिया गया है, ये किसके पिक्चर है, कि ये वाला सारे के सारे कबूतर के पिक्चर है कि नहीं। कबूतर उधर देखो, ये वाला चित्र में आप कौन सी पक्षी दिख रहे हो, ये वाला चित्र में हम कौन सी पक्षी दिख रहे हो, कबूतर दिख रहे हो ना। देन पेड़ के ओंठ में कौन खड़ा हुआ है, पेड़ के ओंठ में इधर कौन खड़ा हुआ है, शिकारी खड़ा हुआ है ना। देखो पीछे में ऐसे तीर पकड़ के खड़ा हुआ है कि नहीं। देन नीचे जमीन पर क्या बिछा है, नीचे जमीन पर ये वाला कौन क्या बिछा हुआ है, जाल बिछा हुआ है कि नहीं। देन जमीन पर और क्या पड़ा है, और क्या पड़ा है इधर, देखो ये वाला छोटे छोटे क्या पड़ा है, ये वाला दाना पड़ा है उधर। हाँ, देन कबूतर नीचे क्यों उतर रहे हैं, तो नीचे क्यों उतर रहे हैं कि हाँ वो क्या है कि दाना खाने के लिए जरूर उतर रहे होंगे, है कि नहीं। आज दिखेंगे दाना खाने के लिए जब उतरे हो कैसे जाल में फंसे, उनके बारे में थोड़ा सा दिखेंगे, है कि नहीं। तो देखो क्या है कि आज कहानी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक दिन की बात है, कुछ कबूतर ने आसमान में उड़ के जा रहे थे। हाँ, जब जाल उड़ के जा रहे थे उस टाइम में दिखे वो नीचे कुछ दाना पड़ा है, नीचे कुछ दाना पड़ी हुई है। देन वो तो देख के सब थोड़ा सा उनके नजर दिखे कि उधर कुछ दाना पड़ा हुआ है, सब कुछ दिखे उधर से कबूतर कि बोले देखो इधर तो कुछ दाना पड़ा है, वो सबको बोल दे कि नीचे कुछ दाना गिरा है तो हमें नीचे उतर जाना चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए उसमें से लेकिन एक बूढ़े कबूतर ने थे कि वो बोले नहीं, बिल्कुल भी उतरना नहीं चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ है, कोई दाना गिराया है, मतलब कुछ ना कुछ है, इसीलिए हमें नीचे उतरना नहीं चाहिए। वो बहुत मना किए, लेकिन मना करने के बाद भी बिल्कुल भी जो दूसरे वाले जो कबूतर थे उधर, उसने बिल्कुल भी उनकी बातें नहीं माने और क्या किए, वो नीचे उतरे। नीचे जब उतरे तभी कबूतर देखो जब नीचे उतर रहे थे खाने के लिए, तभी उसके साथ साथ उधर एक क्या किया था कि एक शिकारी ने जानबूझ के दाना गिरा के उधर एक जाल भी बिछा दिए थे, है कि नहीं, जानबूझ के। क्योंकि उधर क्या होगा कि वो जब दाना खाने के लिए आएंगे उधर फंस जाएंगे कबूतर, है कि नहीं, वो इसीलिए उधर से गिराया था दाना। लेकिन ये वाला सब कुछ इतना बेवकूफ थे जे समझ नहीं पाए, नीचे उतर आए, और जब उतरे नीचे तब क्या होगा कि उनके पैर सब क्या हो गया, जाल में लग गया और उड़ नहीं पाएंगे, है कि नहीं, उड़ पाएंगे। और इसीलिए वो क्या किए कि सारे के सारे जितने सारे कबूतर थे, लेकिन वो जो बूढ़े वाला कबूतर थे वो लेकिन नहीं उतरे, वो क्योंकि जानते थे कि वहां पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है कि नहीं। ये जो बूढ़ा कबूतर थे इसीलिए नहीं उतरा। देन ये सारे के सारे जब जाल में गिर गया, वो एक पेड़ के ऊपर बैठ के वो जो बूढ़ा कबूतर उधर दिख रहा था, है कि नहीं। देन ये तो खुश हो गया, बहुत खुश हो गया कि जो शिकारी बहुत खुश हो के बोला जा इतने सारे के सारे मुझे आज कबूतर मिल गया, है कि नहीं। तो ये सारे के सारे लेकिन जाल में फंस गए। वो उस टाइम में बोले कि सोचे उस टाइम में कि हम क्यों ये जो बूढ़ा कबूतर के बातें क्यों नहीं माने, है कि नहीं, उस टाइम में ऐसे सोचे। लेकिन उस टाइम में जब ऐसे सोचे, लेकिन और तो कुछ भी नहीं था और कुछ हो पाएगा कि, इसीलिए उसने क्या किए कि उसमें से उनके जो क्या एक थ्रो बताया कि हमारे फ्रेंड जो है, हमारे फ्रेंड चूहा है, ठीक है नहीं। उसको याद आया हमारा तो एक फ्रेंड है जो चूहा है, तो चूहा चलो हम क्या करते हैं कि चूहा के पास जाते हैं। लेकिन सब क्या है
तो ये जाल को तो अकेला पकड़ के जा नहीं सकता, एक कबूतर चाहेगा तो उसको पकड़ के जा पाएगा कि इतना बड़ा सा जाल को? नहीं, वो क्या किए, सब वो जो बूढ़ा कबूतर ने उसको बोले कि सब एक एक साथ इकट्ठा हो और एक साथ मिलकर क्या करो, उसको लेके जाओ, तभी जाके आप उड़ पाओगे, है कि नहीं? इसीलिए वो क्या किए, एक साथ सब मिल गए, देन वो जो जाला को पकड़ के उड़ गए, सब एक साथ मिले तभी जाके वो क्या किए कि उड़ पाए, नहीं तो उड़ पाते कि एक चाहता दो चाहता तो हो पाता नहीं, क्योंकि सब एक साथ मिलके किए इस काम, इसीलिए आसान हो गया उनको जाल पकड़ के उड़ पाए। तभी देखो इधर क्या कर रहे हैं कि इधर देखो जाल को पकड़ कर सब एक साथ कबूतर गए, इनके पीछे 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 गए। देन तो देखो ये सारे के सारे एक साथ जब गए, जाके पहुंच गए कहाँ पे कि चूहा के पास, चूहा उनके दोस्त है ना, मित्र है ना उनके, तो उनके पास जब पहुंच गए उसको देख के इसे भी वो ऐसे सरप्राइज हो गया कि ये क्या कर रहे हैं, इसे ये जाला पकड़ के कहाँ आ रहे। देन उसने बोले कि ये सारे के सारे बातें उनको बोले कि उनके बातें हम नहीं माने, इसीलिए हम लोगों को ये फल भुगतना पड़ा, है कि नहीं? तो इसीलिए वो चूहा क्या किए कि चूहा ने जाल को कुतर दिया, देन सारे के सारे कबूतर ने उसमें से बाहर निकल आए, देन उसका धन्यवाद बोले चूहा को, देन उसके बाद आराम से खुशी से देन उड़ के चले गए। इसीलिए देखो ये वाला क्या है कि ये वाला उनको बड़ों की बात मानना चाहिए था, जितने सारे कबूतर को बड़ों की बात मानना चाहिए था। और भी हमें इसमें से क्या शिक्षा और भी मिलती है कि जो क्या है कि विपद के टाइम में जो साथ देता है वो ही क्या होती है कि फ्रेंड होती है। नहीं, क्योंकि चूहा को उन लोगों को बहुत हेल्प किए थे, नहीं तो वो भी उधर जाल में फंस के उधर भी वो मर जाते, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या होगा कि इसमें से यह शिक्षा मिलता है कि हमें बड़ों की बात मानना चाहिए, और क्या है कि हमारे जो फ्रेंड है मुसीबत में एक दूसरे के साथ देना चाहिए, है कि नहीं? जैसे कि मुसीबत के टाइम में घबरा जाओगे तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए मुसीबत के टाइम में क्या करना चाहिए कि हमें मिलजुल कर सब कुछ काम को सॉल्व कर देना चाहिए, है कि नहीं? तभी जाके ये इसीलिए इतना आसान हो पाया और वो जाल से निकल पाए, है कि नहीं? हमारे कंप्लीटेड हो गया, तो आप अच्छे से उसको देख लेना, है कि नहीं? कहानी को और अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा दिखना उसमें से क्या शिक्षा मिलती है उसको भी थोड़ा सा केयरफुली देख लेना। ये सुनो,